है धम्मा हॉल का मेन गेट। ये है डाइनिंग एरिया। बस आज ही सबका मॉल खुला है, तो सब अपने अपने काम में बिजी हैं। ये साइड है जेंट्स एरिया। आज सब लोग दिख रहे होंगे क्योंकि आज सबका मॉल खुल गया है। ये है कुछ ऐसा दिखता है धम्मा थली जयपुर में है। ये सब क्वार्टर्स है जो सबको अलॉट होते हैं जितने भी यहाँ पे आते हैं कोर्स के लिए। तो ये 10 डेज कोर्स कंप्लीट हुआ है आज मेरा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये न्यू बने हुए हैं क्वार्टर्स। यहाँ इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है जयपुर जैसी जगह में, और इतनी ग्रीनरी, इतना नेचर के पास। हमेशा कभी यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ आती है, कोयल की आवाज़ आती है, और मोर पूरे दिन बोलते हैं, बंदर भी है, लंगूर। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में ये बना हुआ है जयपुर का विपसना सेंटर धम्मा थली के नाम से। और पेड़ पौधे यहाँ ऐसे हैं कि आपको एक भी पेड़ मतलब सूखा या पीले पत्ते नहीं मिलेंगे, सब हरे भरे हरे भरे। इतना सुंदर है ये जगह, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये एक पार्क जैसा बन रहा है अभी पीछे की तरफ, और काम चल रहा है इसमें अभी भी। गोंग बज गया, मेडिटेशन का टाइम हो गया। तो अब हम यही बोला धम्मा थली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह पे पानी का भी बना रहा है, कॉमन टॉयलेट है। इतना हरा भरा, इतना हरा भरा कि इंसान वैसे ही अगर कोई परेशान भी होगा, मन से दुखी भी होगा, यहाँ आके इसके वातावरण में वैसे ही ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन का मन नहीं भी करेगा तो भी करने लग जाएगा। मैं आपको पगोड़ा दिखाती हूँ बाहर से, क्योंकि अभी टाइम नहीं है अंदर से दिखाने का। गोंग बज गया है, तो मैं बस आपको भी बाहर बाहर से दिखाती हूँ। ये है पगोड़ा, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और इसका जो ऊपर का ये है गोल्डन कलर पूरा, और रात को भी चमकता है। मैं अंदर से ये आपको बाद में दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है। और मैं आपको अभी अपना रूम दिखाती हूँ। इतनी चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और पेड़ है, कुछ नहीं। मोबाइल को भी अपने अपने रूम पे रख के जाएं। अब रूम पर ही रख के जा रहे हैं।
ये है, और जहाँ पे मेडिटेशन होती है, जो ग्रुप सेटिंग मेडिटेशन करते हैं, ये उसका हॉल है। ये टीचर रजिस्ट्रेशन है, ये टीचर रहते हैं जहाँ पे, उनका ये क्वार्टर है, और ये हॉल। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें नियम लिखे हुए सारे। देखिए सुबह सुबह मोर, क्या सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर सुहावना मौसम हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, और मोर देख के आप घूमते हुए। ये है डाइनिंग हॉल, और ये सुबह सुबह का टाइम है तो सब नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लूँ। कल भी लंच में बहुत अच्छा बना था, पालक पनीर, मिक्स वेज, सब्जी और दाल, साथ में मिठाई भी थी। ये है ऑफिस एरिया, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वारी करनी है आपको, तो आपको यहाँ से वो सोल्यूशन मिल जाएगा उस चीज़ का। आपको बीच में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आपको यहाँ से चीज़ सॉल्व हो जाती है। नाश्ता करके सब लोग अब निकल रहे हैं, धीरे धीरे सब जा रहे हैं, और अभी गुरु जी का मैत्री चल रहा है, मंगल मैत्री सॉन्ग, तो ये सुनते ही करुणा भाव उत्पन्न होता है, दूसरों के लिए कुछ करने का मन करता है, प्रेरणा देती है ये रोज सुबह जब गुरुजी का मंगल मैत्री चलता है। तो चलिए आपको पकौड़ा दिखाती हूँ कि अंदर से पकौड़ा कैसा दिखता है। तो ये है पकौड़ा का अंदर का, छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं, सेल जिसे बोलते हैं। तो अंदर से कैसा दिखता है ये देखिए, साधना के लिए छोटा सा एक बैठक होती है नीचे, और वेंटिलेशन के लिए बस इतना ही निकला होता है, जाल सा बना हुआ है थोड़ा, और इसमें अकेले एकांत में ध्यान करते हैं जिससे एकाग्रता बढ़ती है, और जिसका मन इधर उधर भटकता है तो कम भटकता है, आपका मन ध्यान में अच्छे से लग पाता है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत से कमरे बने हुए हैं, बंद रखने के लिए बोला जाता है हमेशा पगोड़ा का, जो चाहे शून्य गार्ड बोलते हैं इसे, इसका दरवाज़ा हो या मेन गेट हो,
उसको हमेशा बंद रखने के लिए ही बोलते हैं। लाइट ऑफ कर देते हैं। ऊपर भी बने हुए हैं, 2-3 मंजिल का है ये पूरा शून्यगार, और कुछ ऐसा दिखता है ये धम्मा हॉल, जहाँ पे सारे साधक एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं। और यहाँ पे सहायक आचार्य जो होते हैं हमारे, वो यहाँ पे बैठे होते हैं। और ठीक इसके पीछे जो हमारे पूज्य गुरुजी हैं गोयनका जी, एसएनके गोयनका जी, उनका ये स्थान है और ये गुरु माँ का स्थान है, जो गोयनका गुरुजी की पत्नी है, उनका स्थान है वो। आपने कभी भी गुरुजी को कहीं पे भी अकेला नहीं देखा होगा, हमेशा गुरुजी अपने साथ ही अपनी पत्नी को रखते थे, तो गुरु माँ हमेशा गुरुजी के साथ रहती थी। ये उनका स्थान है और ये हमारे सहायक आचार्य जो होते हैं ये उनका। जिनको बैठने की दिक्कत होती है उनके लिए ये अलग से चेयर का प्रबंध किया जाता है। ये कुछ ऐसे होते हैं कि वो पैर नीचे भी कर लें और ऊपर करके भी बैठना चाहें तो ऐसे बैठ सकते हैं। तो ये मैं अपने रूम में ले चलती हूँ, जो मुझे रूम अलॉट हुआ था। इसके पीछे और भी मेरा रूम बिल्कुल धम्मा हॉल है, जहाँ पे हम ध्यान करते थे, ठीक उसी के पास है ये जो मुझे रूम अलॉट हुआ है। ये है मेरा रूम। और जल्दी उठ के जाना पड़ा था, तो बस उठ के ब्रश व्रश किया, फटाफट निकल गए। ऐसे ही सामान रखे कि आके पैक करके निकलना है। ये आपको 2 रूम की जगह मिल जाती है, ये दूसरा बेड है, पर जो मेरी रूममेट थी वो चली गई 4th डे में ही, 4th डे में ही चली गई थी। उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्या रीज़न था मुझे नहीं मालूम, उसका रीज़न क्या था कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो 4th डे में ही चली गई थी। तो फिर उसके बाद अगर आपका कोई रूममेट रूम छोड़ कर चला जाता है तो वो रूम आपको अकेले ही फिर रहना पड़ता है, कोई आप मिलता नहीं सकते रहने के लिए। ये पहली बार मैं आपको रूममेट मिलता है। इसके बाद मैंने जैसे सुना है, पूछा है, तो उनका कहना है कि बाद में आपको अकेले अकेले ही मिलेगा। और ये है वॉशरूम, ये वॉशरूम है, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। गर्म पानी की भी सुविधा है इसमें और आपको हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन बस सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे रूम छोड़ना है अभी तो खासकर तब अपना रूम साफ सुथरा करके ही जाए। चलिए मिलते हैं, टाइम हो रहा निकलने का थोड़ी देर बाद।